यूपी के बुलंदशहर में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद के बाद दो गुटों में जमकर पथराव व फायरिंग हुई। रुक रुक कर पथराव व फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक इनामी बदमाश सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटनास्थल से एक बंदूक, तमंचा व कई कारतूस बरामद किए हैं। दूसरे गुट की महिलाओं ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया। फिलहाल गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। वाक्य है बुलंदशहर के गुलावट्टी कोतवाली के गांव जिरावट्टी का, जहां जगह जगह पड़े ये पत्थर गांव में हुए पथराव की वारदात की कहानी खुद बयां कर रही है। दरअसल दो दिन पूर्व अफसर के भतीजे ने इनामी बदमाश यामीन के भतीजे को क्रिकेट खेलने के दौरान पीट दिया था। मामला गांव के लोगों ने दो दिन पूर्व रफा दफा कर दिया था। आरोप है कि सोमवार की सुबह अचानक यामीन गुट के लोगों ने अफसर प्रधान के घर पर धावा बोल दिया और दोनों तरफ से जमकर पथराव एवं फायरिंग हुई। बताया जाता है कि कई राउंड फायरिंग हुई। गांव की गलियों में जगह जगह पड़े ये पत्थर पथराव की वारदात की गवाही दे रहे हैं। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव के ही चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो आरोपियों को छुड़ाने के लिए यामीन गुट की महिलाओं ने सिकंदराबाद मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा किया। सर, गुलावटी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जानकारी के मुताबिक फायरिंग भी की गई है, क्या कुछ ये पूरी घटना है, पुलिस के पास क्या कुछ जानकारी है? अभी तक जो जानकारी में आया है गांव चिरावट्टी की, आपस में बच्चों का विवाद था, उसको लेकर लोगों में झगड़ा हुआ, तो वहाँ फायरिंग वगैरह की शिकायत और ईंट पत्थर वगैरह फेंके गए, तो प्रधान ने इसकी सूचना दी। डायल 100 भी मौके पर गया, फिर पुलिस ने जाके जो लोग थे इसमें कुछ 3-4 लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और विधि कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी घटना में सर लगभग कितने राउंड फायरिंग की जानकारी पुलिस के पास है और कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे? लगभग 1-2 राउंड फायर किया। घायल लगभग कितने लोग हुए? घायल भी एक ही दो आदमी है, खास है सर नहीं। अभी हालात सामान्य अच्छा।